अस्सलाम वालेकुम तमाम मुसलमानों को। मेरा नाम सैयद शादेब अली है और मेरा जो ताल्लुक़ है पाकिस्तान के एक शहर कराची से मेरा ताल्लुक़ है। आज की जो वीडियो है वो फ़लस्तीन के ऊपर है, फ़लस्तीन के मासूम शहीदों के ऊपर है। दरअसल ऐसी मैंने एक वीडियो जो है अभी कुछ महीनों पहले भी बनाई थी, पर जब फ़लस्तीन पे जब वो वीडियो बनाई थी तो मैंने सोचा था कुछ होगा, असल वसूल होगा, कोई लोग मतलब वो वीडियो पे ना व्यूज़ आए, ना हमारी हुकूमत ने कुछ किया, ना लोगों की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स था किसी भी तरीके से, मतलब किसी भी ओर से फ़लस्तीन की मदद कर सकते थे वो। पर जब से लेके अक्टूबर मेन जो था, जब फ़लस्तीन पे हमले शुरू होना हो गए थे, मतलब इसराइल जो है वो फ़लस्तीन पे जब हमले कर रहा था और इसराइल कातिल जो है फ़लस्तीन पे जब बमबारी कर रहा था अक्टूबर मैन अक्टूबर से जब उसने बमबारी करना शुरू कर दी थी, उसने अक्टूबर से दिमाग बना लिया था कि फ़लस्तीनियों को ख़त्म कर देना है और हमास के लोगों को ख़त्म कर देना है। तो उन्होंने जब हमला करना शुरू करा था तो मैंने कहा था यार आगे आके कुछ होगा, कुछ हासिल वसूल होगा। दिन बढ़ते गए और बात थमती गई, जो जज्बा पहले मुसलमानों के अंदर था अब उससे भी कम हो गया। पहले कई जगहों पे मैंने देखा जलसे हो रहे हैं पाकिस्तान में, रैलियां निकाल रहे हैं फ़लस्तीन के लिए, धरने हो रहे हैं, पर अब तो सब ख़त्म हो गया, अब सब ख़त्म हो गया और तमाम लोग जो हैं वो खामोश होके बैठ गए। मुझे हैरत होती है अपने आप को मुसलमान कहते हुए कि मैं एक बात जानता हूँ, मुसलमान कभी भी किसी से डरता नहीं सिवाय अल्लाह के, और हम इन यजीदियों से डर रहे हैं जिसमें हमारा कुरान कह रहा है कि इनसे जंग होनी है, हमारी आखिरी जंग इन यजीद से होनी है, इन इसराइलियों से होनी है। हमारा कुरान फरमा रहा है कि हम मुसलमानों की आखिरी जंग इन इसराइलियों से होगी, और हम मुसलमान डर रहे हैं, खामोशों के तमाशाई बने हुए। फलस्तीन देखें, कुछ गैर मुस्लिम भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं एक डिटेल में बता दूँ, ये जंग है किस लिए, ये जंग है हमारे इस्लाम पे। इसराइल जो है अटैक कर रहा है, हमारा अव्वल किबला जो था वो मक्का, वो खाने काबा नहीं था, वो हमारा अव्वल किबला जो है वो मस्जिद अक्सा है जो इसराइल में फलस्तीन में मौजूद है, जिस पे इसराइल कब्जा करके बैठा हुआ है। तो फलस्तीन के लोग इसलिए फाइट कर रहे थे क्योंकि वो असल मुसलमान है, वो नामी मुसलमान नहीं है, वो सिर्फ ईद बकरीद रमजानों में मुसलमान नहीं बनते, महंगे जानवर ला के ज़्यादा रोज़े रख के और रमज़ान में सिर्फ टोपी लगा के मुसलमान नहीं बनते हैं। वो पहले किबले, पहले अव्वल किबले के लिए लड़ रहे थे, और वो पहला अव्वल किबला जहाँ नबियाँ इतने नबी गए, जहाँ हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, जहाँ पैगंबर गए, जहाँ वली गए, वो अव्वल किबला। सेकंड किबला तो हमारा मक्का है, खाने काबा है, हमारा अव्वल किबला तो मस्जिद अक्सा है जिस पे इसराइली कब्जा करके बैठे हैं यहूदी, और वो उनसे फाइट कर रहे थे। तो एक हमात को कुछ लोग समझते हैं, जैसे इंडिया भारत की मैं वीडियो देखता हूँ, किसी और मुल्क की मैं वीडियो देखता हूँ, तो वो लोग समझते हैं हमात जो है एक मुसलमानों की दहशतगर्द तंजीम है। तो दहशतगर्द तंजीम नहीं है भाई, हमारा अव्वल किबला है, हमारी पाक जगह है, वो जैसे आप लोगों के लिए मंदिर होता है हमारे लिए उससे भी बढ़ के, जैसे हमारे लिए खाने काबा है, मक्का है, वैसे ही हमारा अव्वल किबला मस्जिद अक्सा थी, मस्जिद अक्सा है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। तो हमात उसके लिए लड़ रहा था, फाइट कर रहा था, आप उन्हें दहशतगर्द बोलो, जो भी बोलो, जिहादी बोलो, और हम हैं भाई, हम हमात के साथ हैं, हमारे हीरो हैं हमात के लोग। तो फ़लस्तीन के, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया कि फ़लस्तीन के लोगों को शहीद किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, किसी के हाथ नहीं है, किसी का सर फटा है, बमबारी की जा रही है। आप देखो वहाँ क्या माहौल होगा, मुझे बताओ, बमबारी बमबारी बमबारी, गाज़ा को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, सारी बिल्डिंगें, सारे घर तोड़ दिए, धमाके, बमबारी, लोगों को मारा, गिरफ्तार किया, बच्चों को मारा, ये साले यहूदी हमारे बच्चों तक से डरते हैं, फ़लस्तीन के बच्चों तक को मारा है इन्होंने, अभी तक जो मलबे से लाशें निकलनी है गाज़ा में से। तो जो फ़लस्तीन के लोग थे, जब वो इंतहाई तंग, अगर कोई उनका साथ नहीं देने वाला था, तो गाज़ा से यूसुफ खान, यूसुफ एक शहर है फ़लस्तीन का, इसराइल का, वो वहाँ पे आके रहने लगे, वहाँ पे उन्होंने अपने खेमे लगाए और वहाँ पे वो लोग रिहाइश पज़ीर हो गए।
जैसे ही गाजा से उन्होंने गाजा को इसराइल ने तबाह बर्बाद किया, उसके बाद उन्होंने बमबारी जो है वो खान यूसुफ पे शुरू कर दी। वहाँ पे भी कई लोग जो है शहीद हुए, कई लोग जख्मी हुए फलस्तीन के। उसके बाद गाजा वालों के लिए सिर्फ एक जगह बचती है, वो इसराइल फलस्तीन का जो बॉर्डर है राफा शहर, उसमें जाके वो लोग अपने कैंप लगा लेते हैं। अभी चंद दिन पहले उस पे भी धमाके हुए, हॉस्पिटल नहीं छोड़े इन्होंने, स्कूल नहीं छोड़े इन्होंने, मस्जिदें नहीं छोड़ी इन्होंने, हमारी कोई जगह नहीं छोड़ी, जहाँ वो कैंप लगे थे वो जगह भी नहीं छोड़ी। और कहा गलती से हो गया, ये लोग मुसलमानों को ख़त्म करने में लोग उन्होंने बस तय कर लिया, इसराइल ये जो इसराइल ये यहूदी जो है गंदे, इन्होंने बस तय कर लिया मुसलमानों को ख़त्म करना है, इन हमाद के लोगों को ख़त्म करना है, इन फलस्तीन के लोगों को ख़त्म करना है, इनके एक एक बच्चे एक एक नस्ल को ख़त्म करना है। वहाँ की औरतें दुआएं दे रही हैं, वहाँ के फलस्तीन के लोग दुआएं दे रहे हैं, तड़प रहे हैं, मेरे बच्चा, मेरी बीवी, मेरा मेरी माँ, माँ के लिए मेरा बच्चा, बाप तरस रहा है। एक ऐसा बाप बना हुआ कि वो करते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा, और हम मुसलमान सिर्फ वीडियो पे देख रहे हैं और दो कमेंट कर रहे हैं, फलस्तीन फ्री, फलस्तीन अफसोस, फलस्तीन गलत हो रहा है, इसराइल मुर्दाबाद। तो ये कमेंट करने से कुछ नहीं होना, ये धरने देने से, ये अच्छा यहाँ किसी मुसलमान से पूछो, भाई आप फलस्तीन के लिए क्या कर रहे हो, आप फलस्तीन के लोगों के लिए क्या कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं भाई हम दुआ कर रहे हैं। बेशक दुआओं में बहुत ताकत है, एज अ मुसलमान मुझे अपने इस्लाम पे बहुत फ़ख्र है, मुझे अपने अल्लाह पे इतना यकीन है जिसकी कोई इंतहा नहीं, और दुआओं में बड़ी ताकत होती है। लेकिन अगर दुआ से काम होता तो नबी जंग करते ही नहीं। नबी ने कितनी जंगें करी हैं, हमारे इमामों ने कितनी जंगें करी हैं। अरे मुसलमानों, तुम वही कौम में से, तुम वही उम्मत में से हो जिसने दर्द खैबर को उखाड़ फेंका था, भूल गए तुम? मौला अली ने दर्द खैबर को एक हाथ से उखाड़ फेंका था, मौला अली ने दर्द खैबर को एक हाथ से उखाड़ फेंका था, तुम उसी कौम में से हो। अगर चाहते नबी दुआ करते, जंगे होती नहीं, तमाम लोग मुसलमान हो जाते, कोई काफिर नहीं बचता, कोई गैर मुस्लिम नहीं बचता। पर जंग करनी थी, जंग होनी थी, क्योंकि कुछ तारीखें बनानी है। नबी को पहले से पता था इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया जाएगा, मौला अली को पहले से पता था मेरा बेटा जो है करबला में शहीद होगा, मेरा पूरा घर तबाह हो बर्बाद होगा करबला में। इमाम हुसैन को पता था मेरा पूरा घर करबला में शहीद होगा, फिर भी 72 की फौज गई, उनको पता था हम शहीद होंगे, हजारों की फौज के आगे, हजारों यजीद की फौज के आके 72 की फौज डट के खड़ी हुई, मुकाबला किया, और पता था हम शहीद होंगे, और शहीद होके दिखाया, और ऐसे शहीद हुए के नाम कर दिया। हार के भी जीत गए इमाम हुसैन करबला में जंग करके, हार के भी जीत गए। तो जंग होनी है भाई, दुआ से जंग रुकती तो इमाम हुसैन करबला में शहीद होने से पहले दुआ करते और जंग खत्म हो जाती, पर उन्होंने दुआ नहीं करी क्योंकि उन्हें तारीख रकम करनी थी। तो हर जुम्मे के दिन मस्जिद में नमाज होती है और उसमें फलस्तीन के लिए दुआ होती है, अच्छी बात है, पर दुआ से अब कुछ नहीं होना है। तो जंग करनी है, अल्लाह चाह रहा है कि जंग करो, वहां के लोग जंग कर रहे हैं, पर हम मुसलमान इतने, मतलब इतने मुसलमान ताकतवर मुल्क हैं, पाकिस्तान है, सऊदीया है, दुबई है, इतने मुल्क हैं, तुर्की है, सिर्फ एक ईरान को छोड़ के जो है कोई इसराइल का साथ नहीं दे रहा। वहाँ के लोग दुआइयाँ मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, मदद को बुला रहे हैं, पर कोई मदद को नहीं जा रहा है। अब तो वहाँ ऐसी हालत हो गई कि भूख से मर रहे हैं। हमने रमज़ान गुजार लिए, हमने इलेक्शन करवा लिए मुल्क में, हमने जो है क्या कहते हैं ईद बना ली, हमने अब बकरीद बनाने वाले हैं, वहाँ के लोग अब भूख से मर रहे हैं। हमारे रमज़ानों में यहाँ जो है दस्तखान लगे बड़े बड़े, और कई पकवान बने, और हमने खुल के रोज़ा खोला, सेहरी करी, इफ्तारी करी, रोडों पे खुलवाई, हमने ईद बनाई, लोगों को ईदी दी, मज़े करे, पार्क गए, बच्चों के लिए शॉपिंगें करी अच्छी से अच्छी। और वहाँ के जो लोग हैं वो बेचारे जो हैं वो बमबारी में ही और अपने पहले किबले को बचाने के चक्कर में शहीद होते जा रहे हैं। तो हमने ईद भी बनाई, अच्छे से अच्छे पकवान भी खाए रमज़ानों में, और एक दूसरे को ईदी भी दी, मज़े करे, बच्चों के लिए शॉपिंगें करी। और फलस्तीन में क्या कर रहे थे, वो सिर्फ मदद का इंतज़ार कर रहे थे और अल्लाह से मदद मांग रहे थे, और अल्लाह को कह रहे थे देख लो हम खड़े हैं, हम जंग कर रहे हैं, और कोई हमारा साथ देने के लिए नहीं, कोई उनका साथ नहीं दे रहा था।
हम यहाँ ईद बना रहे थे, हम बकरीद, अभी बकरीद आ रही है, चंद दिन बाद बकरीद है, हम बड़े बड़े जानवर ला रहे हैं लाखों रुपए के और शो ऑफ करा रहे हैं, उन्हें घुमा रहे हैं, उन्हें बाहर सजा रहे हैं, उन पर सजावट कर रहे हैं, उनको भरपूर तरीके से खाना खिला रहे हैं। माना कि कुर्बानी फ़र्ज़ है, माना कि कुर्बानी फ़र्ज़ है, पर एक बार सोचो कि उन इसराइलियों पे जो वो कुर्बानी दे रहे हैं, क्या कि हमारी कुर्बानियाँ कुछ है? अल्लाह हमारी कुर्बानियों से राज़ी होगा जो वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं? हम किस बात के मुसलमान बनेंगे? रमज़ानों में सर पे टोपी पहन लेते हैं, नमाज के वक्त तो हम बाहर घूम रहे होते हैं, अपनी हर चीज़ कर रहे होते हैं, हम ईद पे बच्चों को सूट पहना रहे हैं, हमारे बच्चों को हल्के से लग जाए, ओ मेरा बच्चा, ओ मेरी बीवी, ओ मेरा भाई, ओ मेरा दोस्त, ओ मेरा ये, और वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ बच्चे उनके आगे लाशें लेके अपने बच्चों की जा रहे हैं, बाप बच्चा अपने बाप की लाश के आगे रो रहा है, और हम इतने बेईस मुसलमान सिर्फ वीडियो पे देखे जा रहे हैं और बस अफसोस करे जा रहे हैं। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? तो भाई कहते हैं कि यार हमारे हुक्मरान कुछ नहीं कर रहे, हमारे हुक्मरान कुछ नहीं कर रहे, हमारी हुकूमत, हमारा हमारी रियासत कुछ नहीं कर रही। भाड़ में गई ऐसी रियासत, ऐसे लोगों को चुना आपने, आप क्या उनका साथ दोगे? मुझे बताओ, मैं क्या इसराइल का साथ दूंगा? मैं तो खुद उस हाल पे हूँ भाई। अल्लाह कह रहा है जुल्म करने वाला, जुल्म बर्दाश्त करने वाला और जुल्म को देख के अंधा बनने वाला, तीनों एक बराबर है, एक ही गुनाह में, एक ही गुनाहों का अल्लाह कह रहा है। कुरान कहता है जिहाद करो, जंग करो, और हम डर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई जंग रुक जाए, हमारी हुकूमत कह रही है जंग रुक जाए, जंग रुक जाए, वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, होने दो। मुसलमान डरता था किसी से? तुम मुसलमान हो? असल मुसलमान तो फलस्तीन के लोग हैं यार, जिनके लिए कुछ नहीं बचा है। अब तो वो हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं भाई नहीं करो मदद, नहीं करो हमारी मदद। एक क्लिप है, एक क्लिप है जो फलस्तीन के एक रिपोर्टर हैं, एक साफ़ी हैं, वो एक पाकिस्तानी मीडिया एंकर से बात कर रहे हैं, वो क्लिप आप देखें। चाहता हूँ ये वो बेगाम है जो हर फलस्तीनी, गज़ा की आवाम के हर बच्चे बच्चे के दिल से निकल रहा है। अल्लाह की कसम, किसी भी मुसलमान को हम माफ नहीं करेंगे। जिस मुसलमान के हाथ में कुछ था और नहीं किया उन्होंने, कुछ कर सकता था और उन्होंने नहीं किया है, क़यामत दिन तक माफ नहीं करेंगे। क्योंकि हम जो कर रहे हैं गज़ा के अंदर है अली हैदर साहब, हम आपके लिए कर रहे हैं। ये बैतुल मुकद्दस सिर्फ हमारा नहीं है, ये मस्जिद अल अक्सा हमारा सिर्फ नहीं है, ये सारा मुसलमानों का है। मैं आपसे माफी मांगता हूं, गैरत है इस मस्जिद अल अक्सा के लिए। हम काबिल नहीं है माफी के। हम लोगों ने आपको मायूस किया, हम तो आपको पानी नहीं पिला सके, हम तो आपको रोटी नहीं दे सके, खाना नहीं दे सके, आपके बच्चों को कफन नहीं दे सके। अब किस बात की उम्मत है मुसलमान? मैं माफी मांगता हूँ आपसे, मेरे हाथ जुड़े हुए, बर्बाद हो गए सैयद अली हैदर साहब, तबा बर्बाद हो गए हम लोग, कुछ नहीं बचा है हमारे घर बार, मेरे खानदान में से तो कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, वाकई कुछ नहीं बचा। अब अगर हमने कुछ कर भी दिया तो क्या फायदा? अब हमने अगर कोई फायदा नहीं है सर, अभी 7 महीने गुजर चुके हैं, 7 महीना गुजर चुके, कुछ भी नहीं। बस आप लोग ईद बना ले, याद से शरबत अच्छे बना ले, आप लोग अच्छे अच्छे शरबतें बनाइए, अच्छे पार्कों में जाए, अपने बच्चों को घुमाए फिराए। आप लोग हमारे लिए अब मत रोइएगा, कोई भी ना रोए हमारे लिए, आप लोग अपने ऊपर रोए, क्योंकि अजाब अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचेगा। ये फलस्तीनी जो बच्चे टुकड़े टुकड़े हुए हैं ना, ये इनके जो अजाब है, ये इन जो अल्लाह की तरफ से सजा और अजाब होगा ना उम्मत मुस्लिम के ऊपर, वो आप भी देखेंगे इंशाल्लाह। आप माशाल्लाह जवान हैं और अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आप देखेंगे ये अजाब अल्लाह ताला का कैसा नाजिल होता इसी उम्मत मुस्लिम के ऊपर, वो किस तरीके से अल्लाह ताला इस मासूम बच्चों का बदला लेता है। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, शुक्रिया आपका जलाल साहब, हाजिर होता हूँ। नहीं सर, मैं माजरत चाहता हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो ये क्लिप आपने देख लिया होगा, वो हाथ जोड़ जोड़ के बोलने नहीं करो हमारी मदद, अब हम किसी की मददगार नहीं है, हम किसी से मदद नहीं चाहते हैं।
हम अल्लाह को आपकी शिकायत करेंगे। वो बल अल्फाज में बोल रहे हैं, आप पे ही अजाब पड़ेगा तो आप क्या करोगे, डरो अल्लाह के अजाब से मुसलमानों। गाने ये शोर शराबा, हमारा इतना अच्छा इस्लाम, हम फख्र करते हैं अपने इस्लाम पे, अपने अल्लाह पे इतना यकीन रखते हैं, इतना यकीन हम अपने अल्लाह पे रखते हैं। और हो क्या, हम लोग कैसे मुसलमान हैं, हम कितने कमजोर लोग हो गए। इस हुकूमत का गिरवान पकड़ के बोलो जंग करो यार सालो। इतना फौज बजट लेती है हमारी, एक इसराइल के लिए, इसराइल को मार नहीं पा रही है। ईरान, सलाम ईरान को कि उसने बमबारी की और देखें उसने शहादत, नौ शहादत जो उन्होंने हासिल की, जो उनका भी ईरानी इब्राहिम रईसी का जो है हेलीकॉप्टर जो गिरा है, एयर क्रैश हुआ है, तो सलाम है उस बंदे को। और ईरान में ऐसे बेहतरीन लोग पढ़े, ईरान में भी तमाम मुसलमान जो है ना अपने अकीदे पे इतने मजबूत है ना कि वो कहते हैं बस हमें अपने अब अल्लाह पे यकीन है, आए मौत आए हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। हमारा मकसद ही शहीद होना है यार, हम मुसलमानों का, हम कुरान पढ़ते हैं यार, हमारी हमारा अकीदा है कि हमारी असल दुनिया भाई आखरत है, हम क्यों डर रहे हैं। जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा हम उनकी मदद नहीं कर रहे ना, इससे बुरा हमारे साथ होगा। और तुम ऐसे बेईस मुसलमान बन चुके हो, नाउज़ुबिल्लाह अगर हमारे मक्का पे भी कब्जा हो जाए ना तो तुम इसी तरीके से मुंह बंद करके अपनी हर चीज़ करोगे, अपनी शादियां भी बनाओगे, अपने बच्चे को ईद की शॉपिंग भी कराओगे, बड़े बड़े जानवर भी लाओगे बकराई, पर मुंह नहीं खुलेगा तुम्हारा, तुमसे कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं कर सकते ना। तो भाई जिहाद पे लोगों को भेजना शुरू कर दो, सबसे पहला बंदा मैं जाऊँगा। हम इतने बेईस लोग हैं, हमारे मुल्क में 18-18 घंटे बिजली नहीं है, इस शहर में हम बेईस गर्मी में बैठे हैं, हम जब नहीं बोल ले। हमारे मुल्क में करप्शन इतनी हाई है, हमारे मुल्क में पेट्रोल इतना हाई है, हम लोग ही स्टॉक से मर रहे हैं, घर में लाइटें नहीं है, हम जब भी कुछ नहीं बोल ले, जॉबें नहीं, हम जब भी कुछ नहीं बोल ले, हम क्या लड़ेंगे इसराइलियों से। ये सारे हमारे हुक्मरान जिन्हें हम चूज करते हैं, ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं और हम मुंह बंद करके बैठे, तो हमें ऐसे हुक्मरान मिलेंगे भाई, क्योंकि हम खुद ही नाहल हैं, हम खुद ही नाहल हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे ऊपर कोई ऐसा आए और हम पे जुल्म करे और हम उसी में खुश हैं। सलाम है फलस्तीन के लोगों को। मुझे बहुत हैरत हुई, अभी एक बड़ी तस्वीर चल रही है, ऑल ऑन आइस राफा, मतलब मैं राफा को देख रहा हूँ, उस टाइप की कोई एक तस्वीरें मैंने देखी हैं, और वो ट्वीट कर रहे हैं कौन, इंडियन एक्टर, अमेरिकन एक्टर, बड़े बड़े एक्टर जो हैं, इंडियन एक्टर जो हिंदू हैं, अंग्रेज एक्टर, मुसलमान एक्टर तो कर ही रहे हैं, इंडियन एक्टर, क्रिश्चियन एक्टर, अंग्रेज एक्टर जो हैं, क्रिकेटर, वो ये तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं गाजा पे क्या जुल्म हो रहा है, पर ये मुसलमान नाहेल और ये हुक्मरान इस मुल्क के, सऊदीया के, पाकिस्तान के, दुबई के, तुर्की के, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ अपने मुल्क में पैसा कैसे आए, पैसा कैसे आए, ये सोचने में लगे हैं। तो ऐसा पैसे पर नालत भेजो, नालत है तुम लोगों पर मुझे कि तुम लोग अपने आप को ऐसा मुसलमान के, तो असल मुसलमान तो फलस्तीन के लोग हैं। सलाम हो फलस्तीन पर, सलाम हो फलस्तीन के शहीदों पर। और बस अफसोस होता है तुम लोग क्या कहते हो, तो हम लोग भाई हम लोग जो है ना बायकॉट कर दिया, हमने उनके प्रोडक्ट से बायकॉट कर दिया। तो भाई तुमने अगर पेप्सी का DU पीना छोड़ी है तो भाई उनके साबुन से नहा लो, उनके साबुन से नहाना छोड़ा तो उनके शैम्पू यूज़ कर लो, उनके शैम्पू यूज़ करना छोड़ा तो उनके तेल यूज़ कर लो। भाई आपके हर ग्राउंड में उन्होंने बसा है, उनका बिजनेस आपके मुल्क में, इतना आपका मुल्क अच्छा है, इतनी मुल्क की रियासत आपकी इतनी अच्छी है, फलस्तीन के लिए इतनी तैयारी कर रही है, तो पाकिस्तान उनके हर प्रोडक्ट को बैंड कर दे, उनसे वो भी नहीं हुआ। अब आप मैकडोनल्ड पे जाके रश देखो, मैकडोनल्ड खाना छोड़ा आपने तो आपने कुछ और खाना शुरू कर दिया, वो भी इतने पैसों का। अरे आप फलस्तीन के लिए दो भेजो, आप ये एक निवाला मारने से पहले ये तो सोचो यार, फलस्तीन के बच्चे ने खाया नहीं खाया, जो जंग कर रहा है इस्लाम के लिए, जो शहीद हो रहा है इस्लाम के लिए।
अब ना बाइकॉट चाहिए, ना अब दुआ चाहिए, अब जंग होनी चाहिए, अब जंग होनी चाहिए। भाई फलस्तीनियों का साथ दो, हाथ जोड़ो, अपने इस्लाम को जगाओ। जब इमाम हुसैन करबला में शहीद हो रहे थे ना, 72 की फौज, हज़ारों यजीद की लश्कर, हज़ारों यजीद की फौज का लश्कर जो था, 72 के लश्कर को शहीद कर रहा था, इमाम हुसैन जब तन्हा बचे थे, और ये पूरे मक्के मदीना जो था इनको पता था, इमाम हुसैन यहीं से गए थे ना, मक्के मदीने से गए थे, पता था इनको इमाम हुसैन शहीद हो रहे हैं, अच्छे से पता था इनको, पता था इमाम हुसैन शहीद हो रहे हैं, पर इन्होंने कुछ नहीं किया, तमाशाई बन के बैठ के देखते रहे। बीवियां रोती रहीं, शामों में गिरफ्तार, तमाशाई बनती रही। अभी भी मक्के मदीने, पाकिस्तान, तुर्की, तमाम मुसलमानों के मुल्क देख रहे हैं तमाशाई बन के, और अपनी चीज़ इंजॉय कर रहे हैं। और वहाँ फ़लस्तीन के लोग करबला में, करबला के तरह फ़लस्तीन में शहीद हो रहे, राफा में शहीद हो रहे, गाज़ा में शहीद हो रहे। उनकी दुआएं तुम्हारे कानों में एक सेकंड के लिए आती, उसके बाद तुम भूल जाते हो। नालत है तुम्हारी ज़िंदगी ऊपर, नालत है अल्लाह की तरफ से तुम्हारी ज़िंदगी ऊपर। हाथ जोड़ तो इनका साथ दो, इस फ़लस्तीनियों का साथ दो, होश के नाकुन लो मुसलमानों, फ़लस्तीन का साथ दो, पैसे से दो, जाके जंग करो, अपने हुक्मरानों का गिरवान पकड़ के बोलो भाई रड़ो, अपनी फौज का गिरवान पकड़ के बोलो रड़ो इनसे यार, खुदा रहा इनका साथ दो। अल्लाह हाफिज़।